सती जी जिद करती हैं और शिवगणों के साथ में दक्ष प्रजापति के भवन में जाती है। वहाँ दक्ष प्रजापति प्रेम से अपनी बेटी से भी नहीं बोलते। कभी कभी नाराजी दूसरे व्यक्ति से है, लेकिन दूसरे से जो लोग जुड़े हैं उनसे भी नाराजी आ जाती है। बहुत अज्ञानी व्यक्ति सबसे नाराज होता चला जाता है। दक्ष प्रजापति ठीक से नहीं बोले अपनी बेटी से। जो बहनें मिली वो भी हंसते हंसते मिली, मजाक किया कि बिना निमंत्रण के आई है, देखो। बहनों ने भी हंसी किया। माँ मिली, उसने प्रेम से बोलकर बिठाया, आओ बेटी बैठो। माँ को ममता होती है। लेकिन सती जी को बड़ा दुख लगा कि यहाँ का तो माहौल बिगड़ा हुआ है। शिव जी सही कह रहे थे, मैं ना आती तो अच्छा था, लेकिन मैंने माना नहीं। अब मैं आ गई तो क्या करूँ, चलो देखती हूँ यज्ञशाला में हमारे पति शिव जी का पूजा का भाग, उनका आसन लगा है कि नहीं। वहाँ जाकर देखा, सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सभी देवताओं का पूजा का भाग लगा हुआ है और शिव जी का आसन नदारद है, शिव जी का नामो निशान खत्म है। जो धर्म पत्नी होती है वो अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति के अपमान को सह नहीं पाती है। सती जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे पति का इतना अपमान है। सती जी यज्ञ में कूद पड़ती हैं, यज्ञशाला की आग में जल जाती है। यज्ञ सब गड़बड़ हो गया। जब सती जी जलने लगी तो शिव गण जो साथ में गए थे उनको गुस्सा आ गया कि मैं शिव जी को क्या जवाब दूंगा, सती जी तो यहाँ आग में जलकर मर गई। तो वे क्रोध में आकर वहाँ मारपीट शुरू कर दी। तो यज्ञशाला में जब मारपीट स्टार्ट हुई, गदा चले, डंडे चले, तो देवताओं में भगदड़ मची। दक्ष प्रजापति को भी खूब मारा गया और यज्ञ विध्वंस हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया, कार्यक्रम बिगड़ गया। तब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि यदि मैं शिव जी को बुला लेता तो अच्छा था। किसी का अपमान भी तुम एक सीमा तक कर सकते हो, वहां तक तुम सुरक्षित हो। अगर सीमा से ज्यादा तुमने अपमान किया है तो आपकी सुरक्षा खत्म हो गई है और खतरा ज्यादा आने वाला है। इसलिए समझदार व्यक्ति सबका सम्मान कर देता है, आदर। और सम्मान एक ऐसी चीज है जिसमें खर्चा तो कुछ नहीं है और सफलता पूरी पूरी है। हाथ जोड़ दो, मुस्कुरा कर बोल दो, प्रेम कर दो, थोड़ा फल खिला दो और माला हो तो पहना दो और राम राम कर लो और कहो कि आपके आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई है। आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो, मुझे क्षमा करना, मैं जरूर गलती किया हूँ आपके साथ, लेकिन आपने हमको जीत लिया है, आप धन्य हो, महान हो, ऐसा कह दो। जिस मान में सम्मान में अपमान मेरा, कोई भी स्थिति हो, जिस मान में सम्मान में अपमान मेरा, अपमान को भी सहना। अपमान को सहने वाला व्यक्ति इतना ऊंचाई पर उठेगा एक दिन कि अपमान करने वालों को भी उसके सम्मान करने का भी मौका नहीं मिलेगा, इतना आगे जाने वाला। जिस मान में सम्मान में, इंजीनियर साहब हमें देखो तुम, अपमान में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही।
गुरुदेव ही कहो। मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, लेकिन गुरु की याद बनी रहे। जब मैं पहली बार गुजरात गया तो एक मंदिर में मैं खड़ा था, तो एक आदमी ने 1 रुपया हमारी ओर फेंका, हाथ में दान नहीं दिया, फेंका। उसको लगा कोई भिखारी खड़ा। अच्छा, मैं तो हंसा और मैंने कहा, भागे भूत की लंगोटी भली, 1 तो उठाओ, ये कोई कम। तो 1 रुपया मैंने प्रेम से उठाया और अपनी झोली में रखा। तब मैं झोली रखता था। तो जब उठा लिया मैंने प्रेम से, तो दूसरा आदमी देखा कि बहुत खुश होकर उठाया है इसने, तो एक और फेंक दो, तो एक और फेंका। हमने कहा फेंकते जाओ, झोली फैला दिया हो, भर जाएगी तो 1-1 रुपया से भी 2-4 हजार हो जाए, हमारा किराया भाड़ा हो जाए। उस समय उम्र हमारी 23 साल थी, ट्रेंड भी नहीं था उतना, ज्ञान भी नहीं था। लेकिन ज्ञान नहीं था पर होशियार जरूर था मैं, हम सब समझ जाते थे। तो मैं मुस्करा दिया, कोई अपमान करे तो मुस्करा दो, उसके अपमान की चोट तुमको नहीं मिलेगी, बल्कि बैक मारकर उसी को चोट मिल जाएगी। मुस्करा दो बस। कोई गाली दे, मीठा मुस्करा दो, तो गालियां डबल वापस चली जाए। क्योंकि गाली देने वाला भी गाली इसलिए देता है कि तुम उलझ जाओ, नाराज हो जाओ, दुखी हो जाओ, घायल हो जाओ। अपमान इसीलिए लोग करते हैं कि तुम पर कुछ असर पड़े तुम उलझो, और तुम पर असर न पड़े मंद मंद भगवान राम की तरह मुस्कराते रहो, तो वह आदमी स्वयं फिर आपको झुक जाएगा, समझेगा बहुत महान व्यक्ति है। परशुराम गाली दे रहे हैं, राम जी मुस्करा कर सुन रहे हैं। अंत में परशुराम झुक जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, राम की विजय होती है और परशुराम शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। जिस रिश्ता और बर्फ, बर्फ जानते हैं, आइसक्रीम, क्रीम नहीं, आइस, आइस मानी बर्फ, क्रीम लगा तो कुछ और हो गया। फिर बर्फ को संभालने के लिए उसको जितना ठंडे में रखोगे तो बर्फ बर्फ बनी रहेगी, गर्म में रख दोगे तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी। जैसे बर्फ को संभालने के लिए शीतलता की जरूरत है, ठंडई की जरूरत है, ऐसे रिश्तों को भी संभालने के लिए दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है, दिल शीतल रखने की जरूरत है, तब ये रिश्ता संभलता है। कितने लोग कहते हमारा मूड गर्म है, मूडी डूडी मत बनो। मूडी डूडी बनने से एक बार रिश्ता बिगड़ गया फिर उसका संभलना बहुत कठिन है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो। और रिश्ता के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है बातचीत। बातचीत जारी रहे तो रिश्ता संभाला जा सकता है। जिन्होंने आपस में बातचीत ही बंद कर दिया है, अब रिश्ता को संभालने की कोई दवाई ही नहीं बची है। बातचीत बंद ना होने पाए, थोड़ा क्षमता से भी बात करो, गम खा लो। रिश्ता मिलते कहाँ हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं, बाप पहले से मर चुका है, माँ जन्म देने के बाद तुरंत मर गई, बहने कोई है ही नहीं, भाई कोई है ही नहीं, चाचा कोई है ही नहीं, ना चाची है, सब खत्म, कोई रिश्ता ही नहीं, अकेले हैं रावण दास, बात खत्म।
अगर तुम्हारे चाचा हैं, चाची है, बहन है, भाई है, पिताजी हैं, माताजी हैं, चचेरे भाई है, तो ये सौभाग्य समझो कि आपको प्रकृति ने इतने रिश्ते बना कर दे दिए हैं, अब निभाना ये तुम्हारी बहुत कड़ी परीक्षा है। निभाओ रिश्तों। कितने लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, समय नहीं है। ज्यादा बिजी रहोगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जब तक समय निकलेगा तब तक रिश्ते नहीं रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा समय निकालो रिश्तों के लिए भी। सबके बीच में प्रेम से रहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, चाहे मैनपुरी में रहो, चाहे बघिरुआ में रहो, चाहे गुजरात में रहो या पश्चिम बंगाल में रहो, दुनिया में कहीं रहो, लेकिन आपकी भक्ति खोने ना पाए। अमेरिका में भी जाओ तो, अभी एक सरदार जी मिले तो कह रहे थे मेरा बेटा कनाडा में है, सुबह गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता है और शाम को प्रवचन सुनता है और 12 लाख रुपए महीने कमाता है और रोज सवेरे होने पर हमको प्रणाम करता है कि पिताजी आपको प्रणाम, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बेटा कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, लेकिन माँ बाप को रोज प्रणाम हो रही है। और एक वो बेटा है जो घर ही में है और माँ बाप को प्रणाम नहीं कर रहा है। ये घर में रहकर भी कनाडा में है, वो कनाडा में रहकर भी घर में है, माँ बाप को प्रणाम करो। बूढ़े माँ बाप तुमसे और कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना ही कि तुम उनको प्रेम कर दो, प्रेम से बोल दो, एक चाय उनके साथ बैठकर पी लो। जो बहू अपने सासू के साथ चाय बैठकर पीती हो और जो सासू अपनी बहू को भी बुलाकर पिलाती हो, तो वह सासू बहू नहीं है, वह धीरे धीरे दोनों सहेली बन गई है, अब घर में स्वर्ग आने वाला है। सासू को समझना चाहिए कि ये बहू मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, और बहू समझे ये मेरी माँ है, सासू नहीं है। और जहां जहां तुम प्रेम से जियोगे वहां वहां सुख पाओगे, जहां जहां नफरत करके जियोगे वहीं वहीं तुम दुखी रहोगे। जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो। गाओ गाओ बोलो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो। गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो। वेशभूषा, शालीनता की वेशभूषा भी पहन लो। आपकी संस्कृति, आपका संस्कार, आपकी मानवता को ध्यान में रख करके आपके वस्त्र होना चाहिए।
वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? शरीर के अंगों को ढकने के लिए। वस्त्र केवल मनुष्य पहनता है, जानवर कोई वस्त्र नहीं पहनते। और नागा बाबा जो होते ना साधुओं में, नागा बाबा वो भी वस्त्र नहीं पहनते। जैन मुनियों में जो दिगंबरी जैन होते वस्त्र नहीं पहनते। अभी मुझे एक नागा बाबा मिले लखनऊ में, बोले मैं नागा बाबा हूं। तो मैंने कहा तो आपने वस्त्र क्यों पहना? बोले शहर में आना था तो वस्त्र पहन लिया, शहर से बाहर जाता हूँ तो फिर नंगा हो जाता। तो मैंने कहा शहर में क्या शर्म लगती है? बोले हाँ लगती है। तो हमने कहा नियम क्या है तुम्हारा? बोले दोनों तरह का नियम है, पहन भी सकते हैं और नहीं भी पहन सकते, लेकिन वस्त्र माताओं बहनों की मर्यादा है, पुरुषों की शोभा है और साधुओं महात्माओं के लिए भी वस्त्र संतों का बहुत बड़ा सम्मान है। वेशभूषा उनकी, संत को सांसारिक वेशभूषा कभी नहीं पहनना चाहिए। चाहे अमेरिका जाओ कहीं भी जाओ, सांसारिक नहीं, एक ही ड्रेस। मुझसे एक सज्जन ने पूछा, नवयुवक ने, कि आप रोज सफेद कपड़ा पहनते हो, इसी ढंग से पहनते हो तो इन सफेद कपड़ों से उबते तो नहीं? कभी मन होता रंग बिरंगा पहनूं? तो मैंने कहा नहीं। बोले मैं तो रोज रंग बदलता हूं और फिर भी उब जाता हूं, कभी कभी पैंट को फाड़ता हूं तब नहीं लाता, कहां तक पहनो एक कपड़ा? तो मैंने कहा रंग बदलने से सुख मिलने वाला नहीं है, जीने का ढंग बदल देने से जिंदगी में सुख आने वाला है। जीने का ढंग बदलो, ये खूब रंग बदलने से क्या होने वाला है? लाल पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, सफेद पहनो, काला पहनो, झंगोला पहनो, झब्बेदार, लब्बेदार, डब्बेदार पहनो, इससे क्या तुम बदल जाओगे? कुछ कोई चेंजिंग होने वाली नहीं। अभी हमें लंका के राष्ट्रपति एक प्रोग्राम में आए थे, वो प्रोग्राम हमारा कहाँ था? उज्जैन में। तो मैंने उसको देखा, वो मेरे जैसा ऐसा कपड़ा पहने कमर में है और वो शर्ट भी ऐसा पहन रखा हमारे संतों जैसा, बिल्कुल सिंपल। तो मैंने सोचा लंका का राष्ट्रपति साधु है क्या? बोले साधु नहीं है, ये साधु जैसा कपड़ा पहनता है, बिल्कुल सिंपल उसका वेशभूषा, राष्ट्रपति है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कपड़े कीमती पहनना चाहो तो पहन ले, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो कि आपकी मर्यादा ढकी रहे। भारतीय संस्कृति और मानवता की संस्कार सुरक्षित रहे, ऐसा आपका कपड़ा। जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, गांव में भक्ति फैलाओ। जैसे इस गांव में, इस क्षेत्र में भक्ति फैलाने के लिए ये समागम बघेरुआ वासियों की ओर से हो रहा है, जिसमें हमारे श्री पप्पू यादव, महेश राम लेखपाल जी, सुरेंद्र कुमार इंजीनियर जी, सुरेश कुमार जी, राघवेंद्र और XYZ पूरा गांव और शहर के लोग, यतेंद्र जी, वसंत जी, सब सेवा में लगे। गांव का सुधार भी गांव वासियों को करना पड़ेगा। आप मेहनत करके गांव में प्रोग्राम कीजिए।
कितने लोग मुझसे कहते हैं हमारा तो मन है गांव में प्रोग्राम कराऊं, लेकिन हमारे गांव में कोई सहयोग करने वाला नहीं। सत्संग के नाम पर आप चाहे जिस पंथ से जुड़े हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, राजनीतिक हों, सामाजिक हों, सर्विसमैन हों, खेतीबाड़ी करते हों, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि संत सभी के होते हैं और पुण्य अपना अपना होता है। जो जितनी सेवा करेगा उसको उतना पुण्य प्राप्त होगा। और इस पुण्य का फल मिलता है, और भक्ति सबको करना चाहिए। बिना भक्ति के जीवन बेकार है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। किसी गांव में पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। पंडित कृष्णदत्त कथा करने गए थे। नारद जी उस गांव में निकलते हैं बीड़ा बजाते ही। तेहिपुर नारद निकसे आई, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। नारद जी को देख करके पंडित कृष्णदत्त की पत्नी उनको अपने घर निमंत्रण देकर बुला लाती है। नारद जी आते हैं, भक्ति का महत्व बता रहा हूं, गुरु मंत्र का महत्व बता रहा हूं। नारद जी को अच्छे आसन पर बिठाया, चरण पखारा, आरती पूजन किया, फूल भेंट किया, आदर किया, और नारद जी बहुत खुश हो। नारद जी से पूछकर भोजन बनाया, नारद जी को खिलाया। नारद जी बड़े गदगद हो गए, क्या भक्त का घर है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारे गुरु धन्य है, माता पिता धन्य है, तुम्हारा कुल धन्य है जो ऐसे संस्कार हैं बेटी तुम्हारे। तो सुंदरी नाम की स्त्री ने कहा, मेरे माता पिता जरूर धन्य है, मेरा कुल धन्य है, लेकिन मेरा गुरु धन्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी गुरु बनाया ही नहीं है, मैं निगुरा हूँ। तो नारद जी को बड़ा दुख लगा कि निगुरा के घर तो भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, मैंने पूरा भोजन कर लिया, ये तो बड़ा पाप हो गया। तो नारद जी ने उस भोजन को उल्टी कर दिया, बांत कर दिया, और वहाँ से रुष्ट होकर चलने लगे। तो सुंदरी ने कहा, प्रभु नाराज ना हो, मुझको गुरु मंत्र दे दो, मैं अभी गुरु आपको बना लूँगी और आप फिर से भोजन करो। तो नारद जी ने कहा, जाओ स्नान कर लो फिर आओ। बोले, स्नान मैं सवेरे कर चुकी हूँ, बार बार स्नान की ज़रूरत नहीं है, स्नान करने जाएंगे तो कोई बहका देगा, इसलिए बिना स्नान ठीक है, ज्ञान की स्नान हो जाएगी। कितने लोग शरीर की स्नान खूब करते हैं और मछली खूब खाते हैं, अंडा खूब खाते हैं, तीन तीन बार स्नान करते हैं। शरीर को स्नान खूब कराने की अपेक्षा थोड़ा मन को भी स्नान कराइए, थोड़ा सा अपने खान पान को भी निर्मल कीजिए, रहन सहन पवित्र कीजिए, पहनावा ओढ़ावा भी पवित्र कीजिए, और बोल चाल भाषा शैली को भी संभालिए। केवल बार बार स्नान करने से कल्याण नहीं होगा। नारद जी सुंदरी को गुरु मंत्र देते हैं, पुनः भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। शाम को पंडित कृष्णदत्त आते हैं, अपनी पत्नी के गले में माला देखते हैं, उनको गुस्सा आ जाती है। वे कहते हैं, ये माला कैसी पहना। तो सुंदरी ने कहा कि नारद जी आए थे, मैंने गुरु मंत्र ले लिया, आज से मैं भक्त हो गई हूँ, शिष्य बन गई हूँ। पति का अपना एक अहंकार होता है। कृष्णदत्त पंडित ने कहा, बिना पति से पूछे गुरु मंत्र क्यों लिया। तो उस स्त्री ने कहा, अच्छी बात के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती है, कुछ गलत करना हो तो पूछना चाहिए। पति ने कहा,
जब से शादी हो जाए तो पति के बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए। पति परमात्मा से कम नहीं होता। कितने पतियों को इतना अभिमान है कि एक तरफ परमात्मा दूसरी तरफ मैं बराबर का पलड़ा है। क्या डींग हाँकते मैं गुजरात में प्रवचन कर रहा था, एक लंबा लंबा पति आया मेरे पास और बोला कि थोड़ा पत्नी वाला भी सत्संग सुना दो। तो मैंने कहा बैठो जाकर सुना दो। तो मैंने कुछ नहीं सुनाया, किसी के कहने से क्यों सुनाऊं, किसी को चोट लग जाए, हम तो अपनी धारा में चलने वाले। तो सत्संग खत्म हुआ, फिर मिला, बोले ऐसा अगले दिन समझा दो कि पत्नी मेरी हमको परमेश्वर जरूर माने। पति परमेश्वर होता है, शास्त्रों में लिखा है, आप तो संत हो, जानते हो, फिर समझाते क्यों नहीं। तो मैंने अपने भक्त से पूछा ये आदमी कैसा है, बोले रोज दारू पीता है और इसकी पत्नी जब नशे में आता है दरवाजा बंद कर देती है, अंदर एंट्री नहीं होने देती, ये द्वार पर पड़ा रहता है, नशा उतरता तो सवेरे अंदर ले लेती है इसको, अभी परमेश्वर कहलाना चाहता है। तो मैंने कहा जो पति शराबेश्वर बना है, अंडेश्वर बना है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। इस भूल को पति लोग छोड़ दें कि पति परमेश्वर होता है, होता नहीं है, पति परमेश्वर हो सकता है। यानी बीज वृक्ष है नहीं, बीज वृक्ष हो सकता है। अगर बीज को सही मौसम मिल गया तो वृक्ष बन जाएगा, और सही जलवायु नहीं मिली तो बीज मिट जाएगा लेकिन वृक्ष नहीं बनेगा। अगर पति ने अपने आचार विचार सुधार लिए तो परमेश्वर की डिग्री प्राप्त कर सकता है। कृष्ण दत्त ने कहा मैं तुझको मार डालूंगा, तलवार निकाल ली, मारने के लिए दौड़ पड़े। तो उस स्त्री ने एक जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब, मैं चौपाई में सुनाता हूं। चहुतन टोक टोक कर डारो भावे अनल माही यही जारो, धरती तोपी मोही बरु देहु, तजौ न प्रण राम ही कर एहु। इस शरीर के चाहे तुम टुकड़े टुकड़े कर डालो, चाहे आग में जला दो, चाहे इसको मिट्टी में गाड़ दो, लेकिन अब भक्ति नहीं छोड़ूंगी, ये दृढ़ संकल्प। पंडित कृष्णदत्त ने कहा तो घर से निकल जाओ, हमारे यहां रहने का कोई स्थान नहीं। ये भारत देश में जो नारी अपने पति का इतना सम्मान करती है, जो भक्त अपने भगवान का आदर करता है, ये भारत देश की महिमा है, जहां पर पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये दूसरे देश में ऐसा बहुत कम है, ये भारत देश इस चीज में नंबर वन पर है। भारत देश में धन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन भारत देश में प्रेम बहुत है, सेवा बहुत है, स्नेह बहुत है। ये भारत देश के लोग तो प्रेम में चार चार घंटे बैठे रहते हैं, अमेरिका में चार मिनट नहीं बैठने वाले हैं लोग। किसी के यहाँ मेहमान जाओ तुम, वो सीढ़ी से उतर रहा है तो क्या बोलता है अमेरिका में, आज मेहमान बनाने का टाइम नहीं है, कल आना, आज जा रहा, तुम उसके घर से लौट के आओगे। इंडिया में रास्ते में लोग मिल जाते हैं, गले लग जाते हैं, मुस्करा लेते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ, मुझे भारत देश जैसा कहीं अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगता है। भारत देश का हर प्रदेश अच्छा है, हर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, दिल्ली, कुछ पूछो मत, दिल्ली उसी का नाम है जहां तुम दिल हार जाते हो। मेवाड़ मारवाड़ में जाओ, वहां इतना प्रेम है कि तुम दिल हार कराओगे। मैं तो दो ही बार गया हूं, तीसरी बार हिम्मत नहीं हुआ जाने की। वास्तव में वहां के लोग क्या अद्भुत है।
कभी इच्छा हो मेरे साथ आना, मैं दिखा दूंगा आपको वहां का। और उत्तर प्रदेश में तो यहां भी कोई गजब है, कम नहीं गजब है। बहुत प्रेम की गंगा बहती है। और दूसरे की तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अपनी बात जानता हूं। मैं तो भारत देश को बहुत पसंद करता हूं, और भारत देश में जन्म हुआ ये भी सौभाग्य है, और भारत देश में मैं सत्संग करता हूं ये मेरी किस्मत है, और भारत देश में ही मरूं ये भी मेरी इच्छा है। हाँ, यही धरती है।